हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में लास्ट माइल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं अभी तक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है, क्या इसमें चैलेंजेस आए हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये, और इस पर आज हम पूरा डिटेल्ड देखेंगे कि क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स और क्या क्या इसके मेन चैलेंजेस हैं। मेरा नाम संतोष है, आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि आपकी बैंकिंग सर्विस हो गई है, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस सर्विस हो गई है, जैसे कि लोन का कोई सर्विस हो गया है, इन सारी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना उन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। गरीब से गरीब, अंबानी से लेके सबसे लोअर स्ट्रेटा में जो BPL में पर्सन है, अगर उनमें से दोनों बैंक के पास जाए तो बैंक दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे लोन लेने के लिए। दोनों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑप्शंस इक्वली अवेलेबल रहने चाहिए। ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि फाइनेंशियल सर्विसेज को सोसाइटी के हर एक स्ट्रेटा, हर एक कॉर्नर तक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ अवेलेबल करवाना। ओके, इसका मतलब है कि आप एज अ पर्सन लोन ले सकते हो, या अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो आपको इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि आप एक्सेस कर सकते हो अप्रोप्रिएट जो भी आपको चाहिए, अफोर्डेबल कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना हो, और टाइमली कि जब ज़रूरत है तब आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सर्विसेज मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि आपको लोन चाहिए एक महीने में, लोन मिल रहा है आपको एक साल में, बिना किसी डिले के आपको जो रिलायबल इंटरेस्ट रेट, जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट होती है उसके ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हो जानी चाहिए। और फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, बैंकिंग हो गया हमारा, लोन लेना हो गया, इक्विटी के अंदर हमारा फंड डालना हो गया, या आप इंश्योरेंस का अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो ये सब हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं। क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों इतना ज़रूरी है। देखो, सोसाइटी के पूरे स्ट्रेटा में हर एक लेवल पे आपको कोई भी चीज़ करने के लिए, आपको एजुकेशन के लिए, आपको घर घर चलाने के लिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। और हर बार ये सिचुएशन नहीं होता कि आपके पास जितनी आपकी ज़रूरत है उतने सारे पैसे हों, तो हमको पैसे कभी कभी उधार लेने पड़ते हैं। तो ये जो उधार लेने का सिस्टम है, ये सबको बराबर होना चाहिए कि सबको बराबर फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि उधार ले सके। इसके अलावा पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए, कि मान लो कोई पर्सन है, उसको अगर उनके फैमिली में किसी को कैंसर हो गया या किसी को कुछ ऑपरेशन करवाना है, तो उनके पास इस चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि बिना अपनी ज़मीन बेचे, बिना अपना घर बेचे, वो सरकार के पास जाके लोन ले सकते हैं और उस पैसे को धीरे धीरे चुका सकते हैं। ये लोगों को एम्पावर करता है। आपको किसी बड़े कॉलेज में, स्कूल में किसी स्किल डेवलपमेंट के लिए एडमिशन लेना है, तो आपको पैसे सरकार की तरफ से मिले, सोशल स्टेबिलिटी लेके आता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप बीमार हुए, ऑपरेशन करवाना है, अगर आपने अपने घर बेच दिया या अपनी ज़मीन बेच दी, तो आप क्या करोगे, और भी ज़्यादा पॉवर्टी में चले जाओगे, आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। उसके साथ ही सोशल स्टेबिलिटी, ग्रोथ टू अल्टरनेट माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, छोटे एरिया में जो हम माइक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे मैक्रो हो गया, मेसो हो गया, माइक्रो हो गया, छोटे लेवल पे लोकल एरिया की इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ से होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब भी बात करोगे, हमेशा बात आएगी कि एक्सेस होना चाहिए, सर्विसेज का एक्सेस होना चाहिए, उसका यूजेस सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए सबको, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम हमेशा बात करेंगे जब भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। नाउ इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को
और जो पॉवर्टी है इसको रिड्यूस करें हमारी इंटरवेंशन की पब्लिक पॉलिसीज चला के। सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसीज या अपनी पब्लिक पॉलिसीज चलाती हैं ताकि सरकार सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके रिसोर्सेज का। और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक ऐसी ही स्कीम थी जिसमें लोगों को पहले क्या होता था, आपको इस बारे में ऑलरेडी शायद पता होगा कि पहले मनरेगा के पैसे मिडिल मैन के थ्रू आते थे, और उसमें था कि एक में से आधे 50 पैसे तो करप्शन में चले जाते हैं या मिडल मैन के पास चले जाते हैं। तो अभी सेंटर से सीधा फंड आता है मनरेगा बेनिफिशरीज के पास, डायरेक्ट सरकार से बेनिफिट जो है, जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे बेनिफिशरी के पास। तो इस तरीके से काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई हैं जिनमें जो सरकार है वो फाइनेंशियल हेल्प देती है, जैसे मटर्निटी एंटाइटलमेंट मिलता है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये मिलते हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है डिफरेंट लेवल्स पे, मनरेगा पे जो काम करते हैं उनको वेजेस मिलते हैं DBT के अंडर। और इन सब में जो बेनिफिशियरी हैं जिनको ये प्रॉफिट मिल रहा है उनका अमाउंट, उनका पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिना इंटरफेरेंस ऑफ एनी मिडिल मैन। लेकिन ये जो बेनिफिशियरीज हैं एट दी एंड इनको थोड़ी सी हर्डल फेस होती है उस मनी को एक्सेस करने में। फॉर एग्जांपल आप एक किसी दूर दराज के गांव में रहते हो और आपके बैंक में सरकार ने पैसे तो डाल दिए लेकिन आपके गांव के पास ATM नहीं है, आपके गांव के पास में कोई बैंक नहीं है जहां से आप उस पैसे को निकलवा सको, तो आपको बहुत घंटे ट्रैवल करके सिटी में जाना पड़ेगा, उस बैंक में आप फिर वहाँ पे लाइन में खड़े रहोगे और आप वहाँ से पैसे निकालोगे। तो इनको हम थोड़ा सा बोलते हैं लास्ट माइल चैलेंजेस, कि मतलब कर दिया है हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन, पैसे दे दिए हैं लेकिन उसका पूरा बेनिफिट अभी बेनिफिशरी को नहीं मिल रहा है। और इन्हीं को ये जो डिस्टेंस है राइट होल्डर और देन एंटाइटलमेंट के बीच में, ये हमको अर्जेंटली रिजॉल्व करना पड़ेगा कि पैसे मिल जाएं उसके बाद में उसका यूटिलाइजेशन वो कर सके, ये जो गैप हो रहा है इसको हमको मिनिमाइज करना है। तो क्या क्या है लास्ट माइल चैलेंजेस और उनके इम्पैक्ट? पहला है डिजिटल एक्सक्लूजन। एक KPMG का रिपोर्ट आया था उसमें इंडिया जो है ब्रिक्स नेशन में सबसे लोवेस्ट इंटरनेट यूज़ करती है, और आई वुड से कि सबसे लोवेस्ट यूज़फुल इंटरनेट यूज़ करती है। हमारे यहाँ की डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है 2020 में, ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे डिजिटल पैरामीटर के जो नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। डिजिटल इलिटरेसी है, इन्यूमरेंसी है, अनफेमिलियरिटी है टेक्नोलॉजी के साथ। हर किसी के पास आपको एंड्रॉयड फ़ोन दिख जाएगा, हर किसी के पास आपके आपको इंटरनेट डेटा पैक भी दिख जाएगा, लेकिन हर किसी के पास आपको सरकार की वो ऐप्स नहीं मिलेंगी, सरकार के द्वारा वो दी गई सुविधाएं यूज़ कैसे करनी है टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये जो गैप है ना कि दो यू हैव द टेक्नोलॉजी बट यू कैन नॉट यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर योर पर्पस, इस गैप को मिनिमाइज करना है। DBT से अनफेमिलियरिटी, चलो अभी बहुत सारे में जैसे मनरेगा में तो DBT कंपलसरी हो गया है, फिर भी हम एक बार एक विजिट पे गए थे मनरेगा की और वहाँ पे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि इसमें से बहुत सारे लोगों को DBT के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्क करवाता है या जो पर्सन जो मनरेगा में हैंडल करता है उसने उन चीज़ों को काफ़ी छुपा के रखा था। हालांकि उस पर एक्शन हो गया वो अलग बात है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इस तरीके से पूरा DBT ट्रांसफ़र अभी उनको नहीं दिया गया है। उसमें बहुत सारे टेक्निकल रीजंस भी बताते हैं ये लोग कि सर इनका अकाउंट नंबर सही नहीं है, सर इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनके पास सर बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें। तो ये जो जो गैप्स है ना कि वो कर नहीं पा रहा है इनको यूज़, तो इनको हमको रिजॉल्व करवाना है। फिर ब्रीडिंग ऑफ करप्शन ऑल्सो, डिजिटल एक्सक्लूजन, और अगर आपको DBT के बारे में नहीं पता है तो ये एक अलग तरह का करप्शन जनरेट करता है। जैसे डिजिटल एक्सक्लूजन में आपको नहीं पता कि आपको कैसे अपना जो इंटरनेट अकाउंट है, इंटरनेट बैंक अकाउंट है, उसको यूज़ करना है, तो आप किसी को पासवर्ड दोगे, किसी को आप बोलोगे भाई मेरा पैसा ट्रांसफ़र कर दे इधर से, देख आया या नहीं आया, वो इंसान आपको नहीं पता है, हो सकता है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर दे। सिमिलरली DBT में भी जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है सीधा DBT का बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको बहुत बार कुछ ना कुछ फ्रॉड वो फेस करते हैं। झारखंड के अंदर एक मैसिव स्कॉलरशिप स्कैम हुआ था जिसमें गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई थी लेकिन उनके नाम पर इंटरमीडियरीज जो थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, उन्होंने पूरा एक नेक्सस बनाया था और उस पूरी स्कॉलरशिप का घपला कर गए थे। तो ये करप्शन भी एक अलग टाइप का यहाँ पे
बन रहा है। फिर इनएडिक्वेट रूरल बैंकिंग भी है, आप देखो कि 14.6 बैंक ब्रांचेस हैं 1 लाख अडल्ट्स पे। आप बैंकिंग का अगर स्पेशली अगर मैं प्राइवेट या किसी भी तरह की बैंकिंग की बात करूँ तो उसका इंक्लूजन बहुत कम है। रूरल एरिया में स्टाफ नहीं जाता है, लोग जनरली जो पढ़े लिखे होते हैं वो रूरल एरिया में जाते नहीं है कि हम वहाँ पे नहीं सस्टेनेबल करेंगे, हमारी फैमिली नहीं जाएंगी, तो वो जाते ही नहीं है। फिर ऐसे में जो एरियाज़ होते हैं सिटी के वो ओवरक्राउडेड हो जाते हैं और रूरल बैंक जो है शॉर्ट स्टाफ में हो जाते हैं। फिर जो एक्सेसिबल बैंक होते हैं रूरल एरिया में, दे लीड टू लूज़ 1 डे वेजेस फॉर द वर्कर, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस बैंक पे, उस बैंक की ब्रांच पे जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वापस आएंगे फिर बीच में कुछ खाएंगे पिएंगे, एक दिन की पूरी उनकी सैलरी जाएगी, तो ये पूरा ये जो स्पेंड करते हैं ये इनका अलग से खर्चा ऐड हो जाता है। फिर अनसक्सेसफुल बैंकिंग कॉरस्पोंडेंस मॉडल भी है हमारा। हमारा जो पहला BC का मॉडल आया था 2006 के अंदर, उसके बाद में इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स थे जिनको हमको ठीक करना था, तो अभी भी ये स्ट्रगल कर रहा है एक वायबल और सस्टेनेबल बिजनेस केस फॉर दी ब्रांचलेस बैंकिंग। बिजनेस कॉरस्पोंडेंस क्या होते हैं, एक पर्सन को बैंकिंग का चार्ज दे दिया जाता है कि आप इस पर्सन से बैंकिंग का जितना भी फैसिलिटी है वो आप अवेल कर सकते हो, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है। देन दी अकाउंटेबिलिटी इशू भी आता है, मतलब जैसे आप अकाउंटेबल नहीं रहते हो, जैसे जो ऑफिशियल्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं रहते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत स्लो है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहीं पे शिकायत कर सकते हैं क्या, उनका सलूशन होगा क्या, तो ये कुछ केसेस हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि यार इस लास्ट माइल चैलेंज को कैसे ख़त्म करा जाए, क्या ऐसे सोल्यूशंस लाए जाएँ कि लास्ट माइल चैलेंज पूरा हो जाए। तो हमको पहले तो सोशल जस्टिस का स्कोप इंक्रीज़ करना होगा, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सोशल जस्टिस की उसको थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा, और उसमें ये चीज़ भी डालनी पड़ेगी हमको कि हर इंसान का राइट टू एक्सेस ओन मनी होता है, कि आपका खुद का पैसा, जैसे मनरेगा में एक लेबर ने अगर अपना पैसा कमाया तो उसका इस पैसे के साथ में इस चीज़ का भी हक बनता है, राइट बनता है कि उसको टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर वो पैसा मिल जाए। ऐसे में जो राइट्स होते हैं दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, आपको एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिसको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इसके साथ ही जो पेमेंट इंटरमीडिएटरीज होती हैं उनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि अगर DBT का नहीं पूरा इंक्लूजन हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड मोर चॉइसेस टू द पीपल, आप जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कर दो, हम जिसको आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट भी बोलते हैं, ये कहीं पे किसी भी बैंक में अपना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको SBI का ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, आप HDFC या पंजाब बैंक या किसी भी बैंक में चले जाओ, वहाँ से आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। नाउ एस्टेब्लिशिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर BC मॉडल, क्योंकि BC मॉडल इतना जो हमारा बैंकिंग बिजनेस कॉरस्पोंडेंस वाला था ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमको इसको रिजनोवेट करने की ज़रूरत है। इसमें एक स्टैंडर्ड रूल और एक फॉर्मुलेट हमको कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जितने भी हमारे बैंकिंग कॉरस्पोंडेंस हैं उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो सके और उनका सुपरवाइज हम कर सकें। इसके साथ ही में जितने भी बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स हैं उन सबको हम जियो टैगिंग या GPS मैपिंग के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आसपास में उनको कहाँ पे एक बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स मिल जाएगा, तो उनको 100 किलोमीटर ट्रैवल करके किसी बैंक ब्रांच के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, रेदर 20 किलोमीटर पर जो बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स है उसी के पास जाके भी उनका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसके साथ हमको डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी एक ऐसी लिंच पिन है जो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन और डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल के बीच में बिल्कुल उनको जॉइंट करके रखेगी, और प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान इसी स्टेप में एक राइट कदम है। देखो, मोबाइल होने से, इंटरनेट होने से, या आपको एंड्रॉयड चलाना आता है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, का मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटली लिटरेट हो। डिजिटली लिटरेट होने का मतलब हुआ कि आपको जिस ज़रूरत के लिए, जिस यूज़ के लिए आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ करने के लिए, वो आपको आनी चाहिए, दैट इज़ योर डिजिटल लिटरेसी। साथ ही में हमको ना एक उबेर मॉडल है, तो इसमें उबेर मॉडल के अंदर क्या है कि कैश इन कैश आउट नाम का एक मॉडल है। इसमें कंज्यूमर्स जो हैं वो खुद एज कैश इन कैश आउट की तरह वर्क करते हैं। जैसे उबेर का एक मॉडल हुआ कि आपने कार हायर कर ली, फिर आप वहाँ से चले गए, तो इससे क्या होगा कि एजेंट्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और कस्टमर्स जो हैं वो एक बियॉन्ड स्टेशनरी एंड लिमिटेड एजेंट नेटवर्क की तरह काम करेंगे। जैसे कस्टमर्स जो खुद हैं वो एक
CICO पॉइंट की तरह वर्क कर सकते हैं और खुद जो पैसे का लेन देन या ट्रांजेक्शन है उसको वहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो उबेर मॉडल एक नया है, अभी अभी हमने इसको नहीं चलाया है, बट दिस इज़ जस्ट अ न्यू आइडिया जो हम काम कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी ज़्यादा डीप तक पहुँचाने में। सो ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, या तो किसी नोट में लिख लो, एंड इस वीडियो का PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।